नमस्कार, आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर है राफेल से। फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल बुधवार दोपहर करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरा। पांचों राफेल एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक उतारे गए। इसके बाद इन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। फाइटर प्लेन के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया, जबकि रक्षा मंत्री बोले, सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत। नई शिक्षा नीति को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में अपने कैंपस बना सकेगी। HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। नई शिक्षा नीति पर डिटेल वीडियो इस चैनल में मिलेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें। गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की। देश भर से नाइट कर्फ्यू हटाया जाएगा, यानी रात में लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी। 5 अगस्त से योग इंस्टीट्यूट और जिम खुल सकेंगे, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। पलामू मेडिकल कॉलेज में भी होगा कोरोना की जांच। CM ने किया वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन उद्घाटन। इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन 1 से 1,500 COVID-19 सैंपलों की जांच की जा सकेगी। आगे देखते हैं देश में कोरोना का हाल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 34,000 के पार पहुंच गया है। 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं। फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली और उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव निकले। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं झारखंड में कोरोना का हाल। झारखंड में कोरोना केस 10,000 के करीब पहुंच गया है, जिसमें 4,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 5,500 के करीब है। 99 लोगों की कोरोना से जान गई है। रांची, हजारीबाग और देवघर में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। रिम्स के 23 लोग समेत गढ़वा, रामगढ़ और पलामू में 63 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगली खबर रांची से है। झारखंड कैडर के IPS अधिकारी आलोक का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वे कैंसर से जूझ रहे थे। बुधवार को राजधानी के दोरंडा स्थित JAP 1 के ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खुश है सैनिक स्कूल तिलैया। फ्रांस से राइफल लेकर आया पूर्व छात्र रोहित। कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल तिलैया में हर्ष का माहौल है। यहाँ के पूर्व छात्र रोहित कटारिया देश के उन चुनिंदा पायलटों में एक है, जो फ्रांस से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राइफल लेकर भारत आए। छोटे छोटे आइटम के लिए भी चीन पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। देश में ही निर्माण की हो रही तैयारी। चीन से आने वाले छोटे छोटे आइटम को अब भारत में ही बनाने की तैयारी की जा रही है। इस काम में MSME मंत्रालय की मदद ली जाएगी। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक भारत चीन से 8,000 से अधिक आइटम का आयात करता है। 10 अगस्त से पहले आएगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, रूस ने किया दावा। कोरोना वायरस के संक्रमण से इस समय पूरी दुनिया तबाह है। अब तक कोरोना ने विश्व में 1,65,00,000 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। बढ़ते संक्रमण के बीच COVID-19 के वैक्सीन पर भी तेजी से काम हो रहे हैं। इस बीच रूस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि 10 अगस्त तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। ये था आज की 10 बड़ी खबर। हर दिन के बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं कल की 10 बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।